लड़के में प्यार करके। I love you, dear. पिया मेरी जिया आ गया तेरा पिया। मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो मेरा जवाब है नहीं मिस्टर जय मेहता। मैं अंशु के बिना जी नहीं सकती, अंशु तेरे बिना जी नहीं सकता। रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कितना पागल जो दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। नहीं नहीं कुछ मत कहना, आज मैंने बाजी मार ली है, आज मैं जैसे पहले बंबई पहुंच गया। सुषमा आज एक्सक्यूज मी, आप फिर लेट हो गए हो डैड। ये कौन बोला? ए जय, यू हैव लॉस्ट अगेन। नो नॉट अगेन, नो नो। वो तो बेटे लंदन में 2 घंटे फ्लाइट डिले हो गई, पर नहीं इस साल तो मैं तुमसे जल्दी पहुंचता। रियली कोई बात नहीं, ट्राई नेक्स्ट ईयर। ओके, अब ये बताओ कहां है कमरे में? कौन? लड़की। अरे मेरी होने वाली बहू कहां है यार? इस साल भी खा लिया था नो। क्या करूं डैड, सब लड़कियां आप पे फिदा हैं। ओके डैड, लड़की की बात होती रहेगी। yeah. माँ को विश करें। तो मिल चुका? नो चीटिंग इन दैट मैटर डैड, यू नो दैट। मैं आता तो पहले हूं, लेकिन पहले विश करने का हक सिर्फ आपका है। यू आर टू गुड यार, एंड यू आर टू स्लो डैड, कम ऑन। ओके ओके, I am sorry सुषमा, मैं लेट हो गया, इसमें सारा कसूर मेरा है, सॉरी। और तुम्हारा बेटा तुम्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो चाहता था कि मैं तुम्हें पहले हैप्पी बर्थडे कहूं। हैप्पी बर्थडे मॉम। बेटा तुमने मुझे कमाल का दिया है, लेकिन एक गड़बड़ है, अभी तक बहू नहीं लाया है। अब बहू ही तो सब कुछ नहीं है ना माँ। अच्छा बाबा है, प्रॉमिस अगले साल तक जरूर ले आऊंगा, पर तुम तो हो ना मेरे साथ।
वो आज तक ये मानने को तैयार ही नहीं है कि प्लेन क्रैश में तुम्हारी, अभी तक समझता है कि तुम कभी ना कभी किसी ना किसी दिन लौट आओगी। Happy birthday to you. Happy birthday, dear mom. Happy birthday, dear... My wife. Wife. Happy birthday to you. Here we go. Cheers, dad. Stop or I'll shoot you. मेरा मतलब है वरना मैं गलत शूट कर दूंगी. Come on. Anita. Come on, guys. Give me $1 million smile. Okay. Shoot. Woo. Turn around, back to back. Okay. Okay. Yeah. Okay. Okay. Wow, that's a good pose. एक मिनट. Looking beautiful, eh? Thank you. लावे कैमरा मुझे दो. तुम जय के साथ खड़ी रहो, मैं तस्वीर निकालता हूँ, okay? Hi. Hi. How are you? Fine. Okay. Click, uncle. Okay. बोलो पनीर. पनीर नहीं रहा, cheese. पनीर. बेटे चीज बोलने से अंग्रेजी स्माइल आती है, पनीर बोलने से इंडियन मुस्कुराहट आती है. बोलो पनीर. ओके पनीर. या कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है क्या लगती है ये जोड़ी. जोड़ी? कम ऑन अंकल, मैं जय की बेस्ट फ्रेंड हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं हूँ. एग्जैक्टली. नो शादी बिजनेस फॉर अनीता, ओनली समाज सेवा. राइट. समाज सेवा? माने ऐसे कपड़े पहन के समाज सेवा करती हो? वाह अंकल, समाज सेवा के लिए खादी का कुर्ता पहनना जरूरी नहीं होता. जरूरी होता है आप जैसे लोगों की जेब से पैसे निकलवाना. मैं समझ गया, मैं तो सिर्फ तुम्हारी तस्वीर ही खींच रहा था, तुम तो मेरी फिल्म उतार रही हो. दोनों बैठ के बात करो, बहुत दिन अंकल आप जा सकते हो, मगर जय तुम मेरे साथ कल आ रहे हो. Dad is waiting for me in office, Anita. It's an urgent meeting. लाइफ में पैसे कमाने के अलावा कुछ दान पुण्य का भी काम किया करो, आत्मा के लिए अच्छा होता है. लेकिन डैड मेरा इंतजार कर रहे हैं. 10 मिनट की तो बात है जय. देखो अनीता, तुमने दान की बात की, मैंने मान ली. तुमने लिफ्ट मांगी, मैंने दे दी. अब 10 मिनट दे दो प्लीज. एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि तुम प्रिंसिपल से मिल लो. ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू फील दिस चिल्ड्रन इमोशन, यू नो जय. आई होप शी इज हियर दो. वॉट, तुमने अपॉइंटमेंट नहीं ली? नहीं, वो तो रोज 10 बजे पहुंच जाती है. शी इज वेरी पंक्चुअल. मैं उन्हें अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं मिलूंगा. तुम्हारे पास 9 मिनट है, जाके अपॉइंटमेंट ले लो. जय, तुम 5 लाख का डोनेशन दे रहे हो. शी विल गिव यू अ स्टैंडिंग वेलकम. 8 मिनट. हे जय, कम ऑन, यू कांट डू दिस. 7 मिनट. ओके जय, वेट या आई विल कम बैक, हैंग ऑन. ओके 5 4 3 2 1 टाइम अप. क्या देख रहा हूं भाई, हाँ? पढ़ाई कर रहे हो? स्कूल में तो रिश्वत देकर पास कराया था और कॉलेज तो खरीदना पड़ा, और अब पढ़ रहे हो? उंगली में फ्रैक्चर हुआ है तो? एक बात बताऊं, मैं भी रिश्वत देकर ही पास हुआ था,
इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं ये समझ पाऊं क्या है। आई लव यू। ओके 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 आई लव यू टू। ओह आपसे नहीं डैड। तो आई एम इन लव विद द गर्ल। ओह किसी लड़की से? व्हाट? मेरा बेटा किसी लड़के से प्यार कर? क्या बात है यार। और प्यार के डायलॉग तू इन किताबों में ढूंढ रहा था? लव का सबसे बड़ा डायलॉग मैं तुझे बताता हूँ। ऐसा कहते हैं कि आई लव यू। पता है, वही तो याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओहो, आई लव यू को याद करने की चीज थोड़ी है यार। फिर भी तुझे याद करना है तो मेरे पीछे पीछे बोल बोल। आई लव यू बोलूंगा तो तब जब सुनेगी। क्या मतलब? डैड, वो ना सुन सकती है ना बोल सकती है। डैड, अब आप बीच में विलन मत बनना, ओके? प्लीज। तेरी खुशी में मेरी खुशी है बेटे। अच्छा है ना, ना सुनती है ना बोलती है। हम दोनों झगड़ा करेंगे, सुन नहीं पाएंगे। चल चल। कहाँ? तू दूल्हा मैं बाराती, चल ले आते चल। अरे नहीं डैड, मुझे उसका आता पता नाम कुछ नहीं पता। ओ बोलो, तू गाड़ी प्लेन की स्पीड से चलाता है और प्यार बैलगाड़ी की स्पीड से करता है? एक काम कर, तू घर वालों को पता कर, मैं शादी की तैयारी करता हूँ। कम ऑन। यू टू। यू टू। यू टू। एक्सक्यूज मी, क्या आप जानते हैं कि वो खूबसूरत सी टीचर, आई मीन वो मैडम, आई मीन प्रिंसिपल का ऑफिस का है? वो उस तरफ है। थैंक यू। कमाल है। आज ही बात करने वाली। प्लीज फॉलो अप। या आई विल स्पीक टू। कल तो मुझे छोड़ के चले गए, मैंने फोन भी किया था। मैडम जय मेहता जो आपसे कल मिलने आए थे। ओह हेलो मिस्टर जय मेहता। हेलो। तो आज अपना चेक लेकर आए हैं? हाँ ऑफ कोर्स, आपका चेक। थैंक यू। आप बोल सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आप भी बोल सकती हैं, सुन सकती हैं। तो जय तुम्हें क्या लगा, या बच्चों के साथ सारा स्कूल सुन बोल नहीं सकता? होता है होता है, मेरे को भी कई बार लोग बेरा और गूंगा समझते हैं। थैंक यू फॉर योर चेक। लेकिन मैं आप लोगों को ये रुपए नहीं देना चाहता। व्हाट्स द प्रॉब्लम? मेरा मतलब है सिर्फ ये रुपए नहीं, मैं पूरा शो स्पॉन्सर करना चाहता। दैट्स ग्रेट। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ, शो में मैं आप लोगों के साथ हाथ बटाना चाहता। वंडरफुल। नहीं, आप ये नहीं कर पाएंगे। मेरा मतलब है कि क्या करेंगे? क्यों, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुर्सियाँ साफ कर सकता हूँ, कीले ठोक सकता हूँ, आपको देख सकता हूँ जी। मेरा मतलब है कि आप सुन सकती हैं,
बोल सकती हैं, मैं देख सकता हूँ और इन बच्चों की भी देखभाल तो ओह खुदाई फैंटास्टिक मिस्टर जॉय मेहता यू आर ग्रेट प्लीज डू जॉइन अस थैंक यू मिस्टर जय मेहता आपका चेक थैंक यू डिक्टर थैंक यू मैं, सिर्फ मैं। अरे आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आपको फॉलो कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, with life। ये आपका काम नहीं है, आप नीचे आ जाइए, प्लीज। टिया जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सब काम। ओ। जय, आप ठीक तो हैं? हाँ? आ आ, ओ, 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 बच गया। ये रेत ने बचा लिया। आपने कहा नीचे आने को तो शॉर्टकट ले लिया जब से हुआ मुझे तुमसे इश्क जब से हुआ मुझे तुमसे नींद हारी है चैन हारा है आइसक्रीम तुम्हारी पसंद आपने कैसे जाना जब कोई किसी के करीब होता है ना अरे लो ना तो उसकी पसंद नापसंद सब पता चल जाता है राइट यू नो जे मैंने सोचा था कि एक स्पॉन्सर से यस सर नो सर फॉर्मली बात करनी पड़ेगी लेकिन आप तो तुम ए इट्स मेल्टिंग हाँ तो तुम तो हाँ, तुम तो इतनी जल्दी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हो कि बिल्कुल पराए नहीं लगते ठीक इंटर गोल्ड योर वन ऑफ माय कंपनीज यार कम ऑन ओपन इट वाओ इट्स ब्यूटीफुल तुम्हें पसंद है और स्पॉन्सर साहब चाहते हैं कि मैं इसे अपने शो में पहनूं। अरे नहीं नहीं दरअसल बात नो एक्सप्लेनेशंस नीडेड सर बल्कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इतना खूबसूरत हार पहनने का मौका मिलेगा थैंक्स ओह नो संभाल के टिया हाँ स्टॉप इट जय क्या कर रहे हो उफो यादें समेट रहा एक दिन बाकी है शो के लिए उसके बाद तो उसके बाद इट विल ऑल बी ओवर ये नर्वसनेस टेंशन सब कुछ और हमारा रिश्ता भी जय रिश्ते बनते हैं खत्म नहीं होते ओए संभाल के ध्यान से अरे अनीता तुम यहाँ क्या कर रही हो सिर्फ देखते रह गई उससे कुछ कहोगे भी अरे पागल हो गई हो मैं तो बस यूं ही क्या कह रहा है तो बोल दो वैसे यू नो व्हाट आई थिंक इवन शी इज इंटरेस्टेड थिंक सो या रियली यस ओह यू आर माय बेस्ट फ्रेंड टिया आई लव यू थोड़ी सिंसियरिटी ला लगना चाहिए ना तुम उसके बिना जी नहीं सकते ओके 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 वन मोर टाइम
टिया, आई लव यू। वो बात नहीं है, छी। अरे हटो यार, तुम तो मेरा सारा कॉन्फिडेंस सत्यानाश करोगी। डैड, डैड आप आके टिया बनिए ना थोड़ी देर के लिए, प्लीज। या व्हाई नॉट यार, आ जाइए डैड। ओके ओके डैड, या टिया आई। ओके डैड, टिया आई। डैड मुंह बंद प्लीज, प्लीज। टिया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, this sounds better. ये अरे shut up यार, let me practice. Okay, Tia, जब से मैंने तुम्हें देखा है, Dad आप मुझे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? I'm already nervous. भूल जाओ जय, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं कह देती हूँ उसे। खबरदार अगर तुमने उसे कुछ भी कहा तो। मैं कहूँगी, कहूँगी, कहूँगी। And I'll see to it that you're rejected. Rejected?
थैंक्स, हाँ कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए, हमारे रिश्ते की नई शुरुआत के लिए, हमारे रिश्ते की नई शुरुआत के लिए। इडियट जय। लेकिन पहले आई लव यू तो बोलना पड़ेगा। ओह मर गए मर गए। हे जय, किससे बात कर रहे हो? नहीं बस, दैट वाज अ ग्रेट शो। थैंक्स। चलो अच्छा तुम यही मिल गए, मैं तुम्हें पर्सनली थैंक्स करना चाहती थी। आखिर तुम्हारी वजह से तो चैरिटी शो कामयाब हुआ ना। अरे नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ पैसे ही लगाए। पैसे ही क्यों, दिल भी तो लगाया ना तुमने शो में। एक्चुअली सच कहा तुमने। अच्छा तुम भी यही मिल गई क्योंकि मुझे भी हाँ कहो ना क्या बात है। कह दो कह दो। ओके सरप्राइज्ड, बस इतना ही सीखा है मैंने तुम्हारे लिए। एक्चुअली टिया पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम मैं पूरी दुनिया को घुमाऊं टिया, लेकिन कभी किसी चेहरे ने मेरे दिल में घर नहीं बनाया। आई लव यू टिया, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम भी मुझसे। आई लव यू टिया, आई रियली डू। पिया मेरी जिया, आ गया तेरा पिया। राज इंतजार के लिए खेद है, लेकिन क्या करूं, मेरा ये प्लेन फिर धोखा देगा रास्ते में। वैसे तुम यहां बाहर ना बंदा ना बंदे की जात, शो का टाइम चेंज हो गया क्या? शो खत्म हो चुका है राज, चले। लगता है आज बहुत मार पड़ेगी। हाँ चलो चलो। दइय जी, आपके इस प्रोग्राम का रीटेलीकास्ट कब होगा? आफ्टर ऑल हमें आपका प्रोग्राम देखना तो पड़ेगा ना। फिलहाल आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बंदा टेक ऑफ के लिए तैयार है। जी कुछ तो बोलो प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम नाराज थी तो भागकर गले क्यों लगी, और जब जब बीमारी ली तो नाराज क्यों हो? कुछ तो बोलो प्लीज। अच्छा और कुछ नहीं तो थोड़ा डांट डपट लो। देखो टिया, तुम्हें मेरे जैसा आशिक नहीं मिलेगा जो डांट खाने के लिए प्लीज प्लीज कर रहा है। प्लीज यार, आइडिया, अब मैं तुम्हारा मुंह खुलवा सकता हूं। बोलो कौन सी आइसक्रीम खाओगी, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, गोला, कुल्फी? टिया भैया आज कोई ऐसी आइसक्रीम खिला दो जिससे मैडम का मूड एकदम फिट हो जाए। राज बोली रे बोली, लगता है आइसक्रीम का जादू चल गया। जी प्यार करते हो मुझसे? प्यार? एक्चुअली टेढ़ा सवाल है। बोलो ना टिया, हम 4 साल से जानते हैं एक दूसरे को, हमारी पहली मुलाकात में ही मुझे एक अपनापन सा लगा था, फिर 24 घंटे एक ही सूरत मेरी आंखों के सामने रहती है। अब मैं बिजी रहूं दूर रहूं
तुम हमेशा मेरे पास हो। अब तो जीना भी तुम्हारे साथ है और मरना भी। दरअसल मेरा मतलब ये है कि मैं बूढ़ा होना चाहता हूं तुम्हारे साथ। फिर एक दिन इसी तरह इसी बेंच पर तुम्हारी गोद में लेटकर आइसक्रीम खाना चाहता हूं। क्या इसे प्यार कहते हैं? फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी प्रॉब्लम है क्या? बोलो ना राज। देखो टिया, शादी तो हम दोनों करना चाहते हैं, लेकिन हम दोनों के साथ शादी करेगा कौन? राज। आज मैंने तेरी बहू घर लाने का फैसला कर लिया था मां, उससे बात भी कर ली थी, लेकिन इन वक्त पर आई एम नॉट गोना गिव अप मां, आई ट्राई अगेन, मैं कोशिश करूंगा। हे भगवान, मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अपनी मां को तो नहीं भुला पाया, अपने प्यार को भुला पाएगा? यस मैम। हेलो, आप कौन? मैं उसका दोस्त बोल रहा हूं। टिया, तुम्हारा फोन है। हेलो। हेलो, कौन है? तुम्हारा दोस्त जय। टिया, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। जय, अगर तुम्हें मुझसे कोई काम हो तो फोन पर ही। नहीं टिया, पर्सनल बात करनी थी। I'm sorry, Jay. मैं नहीं आ पाऊंगी। सिर्फ एक बार, याद है तुमने कहा था कि रिश्ते शुरू होते हैं खत्म नहीं, फिर किसी भी रिश्ते से आ जाना। आज 5 बजे कैफे बिस्तरों, मैं इंतजार करूंगा, आओगी ना? टिया, हाय। हाय, थैंक्स फॉर कमिंग। आओ। कम। क्या बात है जय? आज तुम्हारे होटल के इस रेस्टोरेंट में कोई आएगा भी नहीं। इट्स बुक्ड ओनली फॉर यू। हाँ, आइसक्रीम तुम्हारी पसंद। टिया, शो खत्म हो जाने के बाद तुम्हारा साथ नहीं रहा तो ऐसे लगने लगा जैसे कि जिंदगी खाली हो गई हो। जय, तुम जानते हो कि मैं... हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ टिया, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि मेरे पास एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है और दुनिया के सारे MDs, CEOs, VIP बिजनेसमैन मेरे साथ उठने बैठने के लिए तरसते हैं और मैं तुम्हारे लिए तरसता हूँ टिया। जय, बिजनेस करने के लिए तुम्हारे पास सारी दुनिया पड़ी है, फिर तुम मेरी छोटी सी दुनिया को अपना बिजनेस क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं टिया और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं। 4 दिन की जान पहचान को तुम रिश्ते में नहीं बदल सकते जय। क्यों नहीं? तुम दिल का रिश्ता जो मेरे साथ जोड़ना चाहते हो, वो दिल का रिश्ता तो राज के साथ जुड़ चुका है, इसलिए तुम दोबारा मुझे लेकिन टिया, अगर तुम चाहो तो अभी। एक्सक्यूज मी, अगर तुमने मुझे आज यहां अपने प्रपोजल का जवाब सुनने के लिए बुलाया है
तो मेरा जवाब है नहीं मिस्टर जय मेहता। थैंक यू वेरी मच, मुझे देर हो रही है। आई वाज सो श्योर कि तिया तुमसे प्यार करती है। वो हंसी, वो मजाक, वो बातें, वो ऐसे इनकार करके कैसे चली गई, और वो भी उस मोटरसाइकिल वाले के साथ। चीयर अप बेटे, चीयर अप। ये सुन, तेरे ही जैसा एक लड़का था, लड़की ढूंढते ढूंढते बेचारा परेशान हो गया, तो किसी ने कहा कि तू अखबार में एडवर्टाइज क्यों नहीं देता कि मुझे बीवी चाहिए। लड़के ने कहा ठीक है यार, उसने अखबार में एडवर्टाइज दिया कि मुझे बीवी चाहिए। जानते क्या अंजाम हुआ? हफ्ते के बाद हजारों खत आए, हर खत में एक जुमला कॉमन था, क्या है पता है? सबने लिखा था, जब चाहो मेरी बीवी ले जाओ यार, मेरी बीवी ले। हे कमॉन यार, मैं तो तेरा मूड चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, चीयर अप। वो वहाँ आई थी ना, बस दैट मींस शी इज इंटरेस्टेड। हाँ, हो सकता है उसके घर वालों ने किसी को ज़बान दी हो। करेक्ट, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसका दिल भी इस बात को मानता हो। और फिर उसकी शादी भी नहीं हुई बेटे, अभी भी चांस है, हिम्मत मत हार। कोशिश करता रहे, तेरे प्यार की अर्जी एक न एक दिन जरूर पास हो जाएगी। आइए पधारिए लेट लतीफ साहब। जी मैं? जी आप कौन है? साहब ने फूल और एनवेलप आपके लिए भेजा है। अच्छा? और जवाब भी मांगा है। ओ, अब स्टाइल आ रहे हैं नवाब साहब। हैप्पी बर्थडे टिया, ये फूल इस बात के गवाह है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। इस शहर की धूल मिट्टी और पोल्यूशन से तुम्हारी खूबसूरती मुरझा सकती है। ये चाबी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी गाड़ी की है, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारा जय। ये लो और जाके दे देना। किन साहब ने तो राज को कहना मैं अभी आई। राज अभी नहीं आया माँ, वो किसी ने गलती से घंटी। तुम फिर आ गए? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि बार बार चलाता हूँ डांट खाने, क्या करूँ? पर ये फूल तुम्हें कहाँ से मिले? कुदरत ने दिए। कुदरत ने? हाँ, हवा पानी मिट्टी खाकर बड़े हुए हैं, तो कुदरत ने ही तो दिए हैं। पर ये तुम्हें कहाँ से मिले? वो बाहर मिले, बड़े अच्छे लगे, सोचा तुम्हारे लिए ले चलता हूँ, अच्छे नहीं लगे? तुम्हें फूल तक लाने। सुनो टिया, आज भी लेट हो गए। कैसे हो? बहुत बुरा है। फूल तो बहुत अच्छे हैं। दूसरों के फूल उठा लाया है, अपने फूल तक लाने याद नहीं। तुम्हारे प्यार में सब भूल जाता हूँ ना। आना क्यों नहीं भूल जाते? मेरे घर का पता मुझे क्यों नहीं भूल जाते? आना तो मैं भूल गया था, लेकिन क्या करूँ, मेरा लाइसेंस यहाँ रह गया। नुक्कड़ में पुलिस वाले को देखा तो याद आया, कहाँ है मेरा लाइसेंस, कहाँ है? यानी कि इसे मेरा बर्थडे तक याद नहीं माँ। ओ माय गॉड, आज तुम्हारा बर्थडे? हैप्पी बर्थडे। वैसे इसीलिए तुम आज इतनी अच्छी लग रही हो पहली बार। माँ देखो ना इसे। टिया प्लीज, तुझे तो मालूम है राज कितना मस्करा है। जब तक तुझे सता नहीं लेता उसका खाना हजम नहीं होता। क्यों सताया तुमने उसे? ऐसे आज तो छोड़ दिया होता ना, उसका बर्थडे है, जाओ जाके मनाओ उसे। दो मिनट माँ। जाओ। ए, बहुत सुंदर लग रही हो आज, सच। हैप्पी बर्थडे। वैसे जन्मदिवस के शुभ अवसर पर माँ, मैं सोच रहा था कि इस साल टिया को कुछ देने के बजाय ले ही जाता हूँ शादी करके, कैसी रही? हाँ बेटा, मैंने भी यही सोचा है कि तुम दोनों अब शादी कर लो। लेकिन तुम शादी के बाद भी टिया को इसी तरह से तंग करोगे क्या? बिल्कुल ऐसे ही। आफ्टर ऑल यही हंसी मजाक तो जिंदगी है ना। तो बाकी की बातें भी तय कर लेते हैं। बाकी की बातें? जी वो मेरा अपना तो कोई है नहीं, तो दहेज वगैरह की बात तो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी ना। दहेज? जी। देखो राज, तुम तो जानते हो कि मेरा जो कुछ भी है सब टिया का है, फिर भी तुम बोलो और क्या चाहते हो? सोच लो मैं एक बार। राज तुम ये? हाँ सोच लिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
तुम मां, मुझे दहेज में मां चाहिए, फिर से अनाथ नहीं होना चाहता मैं। लेकिन बेटे के घर मां नहीं रहती बेटा। बेटे के घर तो रहती है ना। मुंह से बेटा मत बोल मां, दिल से मान ले। हाँ के तो ना मां। प्लीज आज मुझे सब कुछ मिल गया मां, सब कुछ। लव यू राज। आजकल गर्लफ्रेंड को 7 स्टार में खाना खिलाओ तो बोलती है आई लव यू। वेरी गुड, आ गया 7 स्टार। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको ना राज। चलो उतरो, चलो उतरो। यहाँ? और नहीं तो कहाँ? पर तुमने तो कहा था कि वो 7 स्टार। हाँ। तो 7 स्टार को 7 स्टार ही कहा ना। टिया जी, जगह चाहे छोटी ही हो, दिल बड़ा होना चाहिए। खाना चाहे कैसा भी हो, भूख लगी होनी चाहिए। तुम्हें भूख लगी है? चलो फिर। वेरी गुड। सलाम साहब, आइए सर। आज कुछ स्पेशल कर दे यार। जी सर। आज हमारी टिया जी का बर्थडे। हो जाएगा साहब, प्लीज आइए। मैडम आइए, बैठिए। अभी आया सर। थैंक यू। कैसी लगी है जगह? स्माइल यार। ये पेड़ वेड़ क्यों रख दिया यार? जी वो आज मैडम का बर्थडे है ना सर। हाँ, बर्थडे तो है। What a pleasant surprise. Yeah, really pleasant, na? तुमने देहा का नक्शा ही बदल दिया। क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की? हाँ? हो गया आप तो? कोई बात नहीं, चलता है, अपना ही ढाबा है। Wow, ये इतना बड़ा केक मेरे लिए? केक हमारा नहीं है। ओ भाई साहब, केक तो ले जाइए, केक हमारा नहीं है। मजाक मत करो राज, इस पर मेरा नाम भी लिखा है। एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। Excuse me, यहाँ पर किसी लड़की का नाम टिया है? मैम आपका है? नहीं, मेरे ख्याल से टिया सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। स्ट्रेंज ना? तो केक काटे? हाँ, नहीं, वो पहले वो विश मांगते ना कुछ आंख बंद करके। डू दैट। गुड आइडिया। मांग लिया। राज तुम ये? कुछ नहीं, तुम केक काटो ना। Happy birthday, Tia. Happy birthday to Tia. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. ये लो। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू। ये केक कहाँ ले जा रहे हो? खाना लगा देता हूँ ना सर। खाना क्या करना है, हमारा पेट तो केक खाकर भर जाएगा। ऊपर वाली मंजिल मैं खा लूंगा, नीचे वाली मंजिल टिया खा लेगी। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। ओ राज, आज की शाम मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। भूलूंगा तो मैं भी नहीं, आफ्टर ऑल बर्तन, आई मीन खाना तो खाना है अभी। बेटा गुड फूड ना? या यस सर। वो बिल ले आना, बिल। आपका बिल पेड हो चुका है सर। पेड हो चुका? देखो यार, योर अरेंजमेंट वाज वेरी नाइस। थैंक यू, रियली नाइस, बट बिल दे दो यार प्लीज। सर मैंने आपसे कहा ना कि आपका बिल पेड। देखो भैया, मैं शक्ल से लुक्खा लगता हूँ पर हूँ मैं शरीफ आदमी। पैसे थोड़े बहुत कम भी हुए तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, मेरी घड़ी रख लेना। सर आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। मजाक नहीं करता मैं कभी, मैं सीरियस आदमी हूँ यार। सर आप सीरियस आदमी हैं लेकिन मैं भी सीरियसली बोल रहा हूँ कि आपका बिल पेड हो चुका है। चलो फिर, थैंक यू यार, थैंक यू। कमाल है यार, ये बिल किसने दिया होगा? मैं जानती हूँ किसने दिया होगा। किसने? टिया। हाय।
हैप्पी बर्थडे, मजा आया? जय, मैं तुमसे साफ साफ कह चुकी हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, फिर भी तुम ये... तो आप ही हैं जिन्होंने वो फूल केक, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। डबल खुशी की बात यह है कि आपने हमारी शाम का रंग ही बदल दिया, थैंक यू। अरे नहीं नहीं, टिया की जिंदगी में इतना बड़ा दिन और ये छोटी सी जगह, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके काबिल बना दे। मिस्टर जय मेहता, माना कि आप बहुत बड़े हैं, लेकिन किसी और को छोटा कहने का हक आपको नहीं है। टिया, आई जस्ट वांट टू गिव यू द बेस्ट। किसने दिया आपको ये हक? हां, किसने? और मेरे राज को छोटा? टिया टिया टिया, ये मुझे नहीं, ढाबे को छोटा कह रहे हैं। तुम समझ नहीं रहे हो राज, इसने हमारे स्कूल का शो स्पॉन्सर किया था, बल्कि अपनी तरफ से इसने मुझे प्रपोज भी, लेकिन मैंने इसे साफ इनकार कर दिया। तब से मुझे इंप्रेस करने की और हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। टिया, हमारे बीच में गलतफहमी की जगह है क्या? जैसा, हमारी शादी नहीं हुई अब तक, लेकिन तलाक 20 बार हो चुका है। आप जरा सोचिए कितना गहरा रिश्ता होगा। वैसे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हमारी टिया है ही इतनी खूबसूरत। वैसे ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि टिया ने मुझे चाहा। वो क्या है ना जय साहब, दिल का रिश्ता जबरदस्ती से जोड़ा नहीं जाता, बस बन जाता है यूं ही अपने आप। हाँ, वो आपका आज शाम का बिल। नो थैंक्स, प्लीज प्लीज रख लीजिए, टिया की खुशी के लिए रख लीजिए। वैसे आपका अरेंजमेंट बहुत बढ़िया था, वो खाना, खास करके म्यूजिक, वेरी नाइस। हाँ थैंक यू, आओ टिया चलते हैं। देखा, ये है मेरा राज। वैसे अरेंजमेंट करने का इतना ही शौक है ना, तो अगले हफ्ते मैं शादी कर रही हूँ अपने राज के साथ। बड़ा ही प्यारा है, कितना पागल ये दिल हमारा है। हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, जानता तन्हाइयों में जाने मन।
तुम्हें पुकारा है, मैंने अक्सर तुम्हें पुकारा है, कितना पागल ये दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा भाई साहब। अरे जय, तुम राज, तुम क्या इत्तेफाक है यार, मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई। कमा कमा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। थैंक यू। तो बोलिए कहाँ जाना है? हॉस्पिटल। अरे भाई, बाइक गैराज में ठीक होती है, हॉस्पिटल में नहीं। नहीं नहीं, टिया हॉस्पिटल में। हाँ, कौन सा हॉस्पिटल? अवान हॉस्पिटल। क्या हुआ टिया माँ? वही जो शादी के बाद होता है, टिया माँ बनने वाली है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ड्रिंक? थैंक यू, नहीं पीता नहीं मैं। जय, आज मेरा परिवार पूरा होगा, टिया माँ बनेगी और मैं बाप। दो प्यार करने वालों की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी यही होती है, राइट? हाँ, आई गेस राइट। सॉरी, मैं अपनी खुशी में तुम्हारा हाल पूछना भूल गया, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी, कोई परेशानी तो नहीं? अरे मेरी बात छोड़ो राज। हाँ तो ये बताओ, बाप बन रहे हो, परिवार शुरू हो रहा है, कैसा लग रहा है? फैंटास्टिक। नाचूं गाऊं दुनिया को सर पे उठाऊं, समझ में नहीं आ रहा। अनाथ हूँ इसलिए समझता हूँ माँ बाप का प्यार कितना अनमोल होता है। हाँ, लेकिन मेरे बच्चे की किस्मत में यतीम की तरह जीना नहीं लिखा, उसे तो माँ का प्यार, नानी का लाड़ और सबसे बड़ी बात अपने बाप का नाम, मेरा नाम। जब उससे कोई पूछेगा ना कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो वो अपनी तोतली जबान में कहेगा लाज, मेरे पापा का नाम लाज है। खुशी तुम्हारी आंखों से बह रही है। हाँ, वो सारे रिश्ते मिल गए ना, दिल के रिश्ते। Oh, here we are. Thank you, Jay. अरे जय, तुम अंदर नहीं आओगे? तुम्हारा ये वक्त अकेले टिया के साथ गुजारने का है। All the best. Thank you. और राज, हाँ, अगर कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो you have a friend. Thank you once again. टिया, आ गया तेरा पिया। मुझे नर्स ने बाहर ही बता दिया था कि लड़का हुआ है। हो गया ना, हमेशा की तरह लेट। मैं कहाँ लेट हूँ, मेरी खड़खड़ फिर। अरे संभाल के। कितना स्वीट है, मिला छोटू, मिला लड्डू। बिल्कुल मुझ पर गया है ना? हाँ, सिर्फ आंखें टिया जैसी है। और फिर नाक, हाँ, कान, हाँ, गाल, होंठ टिया जैसे हैं, बाकी सब तुम्हारा जैसा। देखा देखा देखा, तुम्हारी माँ और मेरी माँ दोनों एक तरफ हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, लाडला तू मेरा ही रहेगा, मैं तुझे इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला अपने बचपन में। थैंक यू टिया, आज तुमने मुझे वो रिश्ता भी दे दिया जो शायद मेरी किस्मत में था ही नहीं। थैंक यू राज। हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 हे हे हे
हंसते सूरज की रोशनी दे दी, झिलमिलाती सी चांदनी दे दी, मुझको तूने तो हर खुशी दे दी, मेरे मालिक करम तुम्हारा है, मेरे मालिक करम तुम्हारा है, कितना पागल ये दिल हमारा है, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, जानता ये जहान सारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। ना अंशु, देख पापा आ गए। नो क्या हुआ राज? थक गया हूँ माँ। ठीक है, हॉट वाटर बात ना। मैं जिंदगी से थक गया हूँ टिया, वही पुरानी खड़खड़ मोटरसाइकिल, वही पुरानी खिटपिट जिंदगी। चुप राज। सोचा था तुम आओगी, नई तकदीर बनेगी, पर नहीं, कुछ नहीं हुआ, वही पुरानी खड़खड़ मोटरसाइकिल। तो क्या मैं फिर आए अंशु महाराज? सोचा ये नई तकदीर लेकर आएंगे, पर नहीं, वही पुरानी खड़खड़ मोटरसाइकिल। मैं पूछती हूँ, जब आप अपनी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग ठीक से नहीं कराते, तो उसमें मेरे बेटे का क्या दोष है? दोष कहाँ निकाल रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ कि अंशु बड़ा हो जाएगा तो हम तीनों कैसे जाएंगे इस मोटरसाइकिल पर? खड़खड़ मोटरसाइकिल पर? हाँ, वही खड़खड़ मोटरसाइकिल पे कैसे जाएंगे? जैसे सब जाते हैं वैसे ही जाएंगे। राज, हम खुश हैं, कम पैसे में भी हम खुश तो है ना? पर मैं खुश नहीं हूँ, सोचता हूँ छोड़ दूँ, बहुत तंग करती है। क्या? एक्चुअली सोचना क्या है, छोड़ दिया, अभी इसी वक्त छोड़ दिया। राज, माँ, इनको आज अचानक क्या हो गया? जाओ जाके देखो क्या हुआ, जाओ। राज, तुम्हें हो क्या गया है? कहाँ ना छोड़ दिया, अंदर कहाँ ना तुमसे छोड़ दिया, छोड़ दिया इस खड़खड़ को। आपके लिए पेश है नई गाड़ी। नई गाड़ी, गाड़ी और ड्राइवर वही पुराना, कहीं तुम्हें ड्राइवर तो नया नहीं चाहिए ना? राज, माँ, क्या हुआ? देखो ना माँ, राज नई गाड़ी लाए हैं। अरे, ऑफिस की तरफ से। कांग्रेचुलेशन। और तरक्की भी माँ। अरे वाह। ब्रांच मैनेजर की पोस्ट। तुमने टिया को सताया क्यों? मस्ती माँ, मस्ती। मस्ती हाँ। चलो हर जाने के तौर पे आज रात हम सब 5 स्टार में खाना खाएंगे। अरे वाह। 5 स्टार या 7 स्टार? एक बार हो गया ना? नहीं माँ, 5 स्टार, ओरिजिनल 5 स्टार। अच्छा जाओ, तुम लोग आओ। नहीं नहीं माँ, क्या ऐसे थोड़ी। सुनो, कभी कभी पति पत्नी को अकेले भी जाना चाहिए। ओ, वो सब होता रहेगा माँ। अरे मैंने कहा ना, देखो अंशु भी यही चाहता है। माँ, यू आर द बेस्ट, लव यू। पिया आ गया तेरा पिया। माँ, बदमाश, कहाँ जा रही है भाग के? आफ्टर ऑल योर पति यार, माँ की परमिशन ही है। वेलकम मैडम। वेलकम सर। इसको जरा प्लीज संभाल के ध्यान से। हाँ जी सर। मानती है ना आप? राज, मैंने तो सपने में ही देखा था इस तरह का 5 स्टार। छोड़ दो उन सपनों को, अब वो किसी और की हकीकत बन चुके हैं। तुम ठीक कहती हो अनीता, लेकिन इस दिल को कौन समझाए? हाँ, वो तो अभी भी टिया के ही सपने देखता है। और क्या क्या देखा करती हो अपने सपनों में? एक और तरक्की, एक और गाड़ी, फिर यही 5 स्टार। हम यहाँ इस वजह से थोड़ी आए हैं। तो हम यहाँ आए हैं जस्ट फॉर योर स्माइल। तुम्हारी ये मुस्कुराहट, तुम्हारी बिंदिया और ये आंखें। एटिया, क्या हुआ? आई लव यू। रियली आई लव हर, आई लव हर, आई लव हर। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। मैं उसे कैसे भूल पाऊंगा? भूलने को कौन कह रहा है जय, मैं बस ये कह रही हूँ कि उसकी यादों को अपना हौसला बनाओ। कहना आसान है नीता, कहना आसान है। Excuse me, one more drink. Sir.
इतने में तो बनिए से पूरे महीने का राशन आ जाता। फाइव स्टार, अब समझ में आया फाइव स्टार किसे कहते हैं। सॉरी राज। नहीं नहीं, इट्स ओके, आज के दिन की खुशी के लिए तो चलेगा। हम कौन सा रोज रोज आते हैं। टिप चलें। बाकी के पैसे टिप इतनी सारी फाइव स्टार। हाँ वो 20 रुपए बस है ना। परफेक्ट वाइफ। एक बात कहूँ सर। कहो। प्यार अगर सच्चा हो तो मालिक दिलों को जरूर मिलाता है। वाव, चीयर्स, आई विल ड्रिंक टू दैट। देखा, वैसे वो सही कह रहा है, प्यार अगर सच्चा हो तो। ओह समझ गया, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं टिया से सच्चा प्यार नहीं करता। करते हो, मगर तुमने ये कभी नहीं सोचा कि राज टिया से कितना प्यार करता है। तुमने ये कभी नहीं सोचा कि टिया की खुशी राज के साथ है। और जय, तुमने ये कभी नहीं सोचा कि अगर तुम टिया से सच्ची मोहब्बत करते हो तो टिया की खुशी में तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, तुम ये सब क्यों सोचोगे। शराब वराब सब कुछ बंद। अरे लो, अपनी गाड़ी आ गई। जय, कल तुम्हारा नशा उतरने के बाद तुम अपना प्रॉमिस तो नहीं भूलोगे ना। तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। है। तो तुम्हारा यकीन ठीक है। दो चाबी दो। आज गाड़ी मैं चलाऊंगी, प्लीज सिर्फ आज। सीधा, यू डोंट ट्रस्ट मी। ऑफ कोर्स नॉट, आई ट्रस्ट यू। ये लो बाबा। पर यू नो अनीता, हाँ, You are my best friend. आज से जय मेहता एक नई जिंदगी शुरू करेगा। पापा तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हो जाएंगे। सब तुम्हारी वजह से नहीं, really. You're my best friend. संभालो। संभालो, क्या कर रहे हो तुम? सॉरी। जय, जय तुम गलत ट्रैक पे आ गए हो। जय, नाउ वी ऑन द राइट ट्रैक। तुमने एक देवदास को तो मरने से बचा लिया। बिकॉज आई एम गोना लिव अ न्यू लाइफ। अनीता,
प्लीज सो जाओ, सो जाओ। राजा रानी था। आई नो बेटे। और टिया? उसे डॉक्टर होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक होश में नहीं है, मुझे उसके पास ले जाओ। सब ठीक हो जाएगा। बोलते क्यों नहीं है? मिसेस शर्मा, देखिए आप चिंता मत करिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ पेशेंट को? देखिए मिसेस शर्मा, इस किस्म के केस में कुछ नहीं कहा जा सकता है। आई विल बी कॉलिंग अदर न्यूरोसर्जन फॉर देयर एक्सपर्ट ओपिनियन। आप पैसों का बंदोबस्त करके रखिए, हो सकता है कि ऑपरेशन भी करना। मैं कहता हूं डॉक्टर साहब, आप पैसों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए, जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा, सिर्फ ये लड़के की जान बचनी चाहिए, दैट्स इट। ये कौन है? ये मिस्टर मेहता है, आपकी बेटी के एक्सीडेंट इन्हीं के बेटे की कार के साथ हुआ था। मेरे साथ है, ये बहुत सी फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, प्लीज कम ऑन, हरी अप, कम ऑन, कम कम। डॉक्टर साहब, देखिए हम पेशेंट को 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और आगे का माजी, माजी मैं हूं आपका गुनहगार। ये गलती मुझसे हुई है माजी, मैं पूरी तरह से अपने होश आवाज में नहीं था। उस रात मैंने शराब पी ली थी, इसलिए जब राज की गाड़ी में आप जितना मारना चाहती है मुझे मारी, जो सजा देना चाहती है दीजिए, मेरी लापरवाही की वजह से मेरी दोस्त अनीता बहुत कहा था उसने मुझे, गाड़ी वो चलाएगी, अगर अगर मैं उसकी बात मान लेता तो आज राज की मौत। सिर्फ राज ही नहीं, तुमने अपने गाड़ी के पहिए के नीचे राज को नहीं, मेरे पूरे परिवार को कुचल दिया है। मेरी बेटी अभी अभी उसकी जिंदगी शुरू हुई थी और तुमने एक ही पल में उसे विधवा कर दिया है। तुमने उसका बच्चा माँ के लिए तड़प रहा है। अरे अभी तो बाप का हाथ पकड़ के चलना भी नहीं सीखा था और तुमने उसे अनाथ बना दिया है, तुमने। और तुम गुनाह करके माफी मांगने आए हो, हाँ? क्या कर सकते हो तुम, हाँ, क्या कर सकते हो? मेरे राज को जीता जागता मेरे सामने खड़ा कर सकते हो तुम? जिंदा लौटा सकते हो तुम राज को? लौटा सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते।
एक्सीडेंट में कभी कभी पेशेंट के दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचता है कि उसकी याददाश्त या तो धुंधली हो जाती है या खो जाती है। मेडिकली इसे रेट्रोग्रेड एमनेशिया कहते हैं। ऐसे पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी बिताते हैं, अच्छे भले रहते हैं, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी याद नहीं रहती उन्हें। आपकी बेटी के साथ भी यही हुआ है। सीधे साधे लफ्जों में वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। डॉक्टर, बड़ी मुश्किल से हमने उसे यकीन दिलाया है कि आप उसकी मां हैं। डॉक्टर साहब, उसकी याददाश्त वापस कब आएगी? दिन, महीने, साल भी लग सकते हैं। हो सकता है कि उसकी याददाश्त वापस ही ना आए, उसे सारी जिंदगी यूं ही गुजारनी पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे तो हम पुरानी बातों या यादों के सहारे पेशेंट की याददाश्त वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टिया की कंडीशन ऐसी नहीं है। उसके दिमाग पर पड़ा जरा सा भी दबाव उसे पागल बना सकता है, उसे ब्रेन हैमरेज हो सकता है, वो मर भी सकती है। इसीलिए आपको उसके पति की मौत और उसके बच्चे का वजूद उसे छुपाना होगा। यही नहीं, वो सारी बातें जो टिया के साथ जुड़ी हैं वो आपको मिटानी होगी। हो सके तो उसे किसी नई जगह ले जाइए जहां उसे कोई पहचानता ना हो, लेकिन उसे कोई भी पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश मत कीजिएगा। मिटा दीजिए उसकी सारी यादें। लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मां, मैं सोच रहा था कि इस साल टिया को कुछ देने के बजाय ले ही जाता हूं शादी करके। लेकिन तुम शादी के बाद भी टिया को इसी तरह से तंग करोगे क्या? बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, आफ्टर ऑल यही हंसी मजाक तो जिंदगी है। हॉस्पिटल में बहुत मजा आती है, रानी के माफिक पड़े रहो, सब लोग सेवा करते हैं, लेकिन मैं तो कभी बीमारी नहीं पड़ती। माजी, 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 प्लीज माजी, मेरी बात तो सुनिए माजी, प्लीज। जो नसीब में लिखा है वही छोटा है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। फिर भी तुम्हारा लॉस सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुआ। लॉस? पहली बार मौत को इतने करीब से देखा मैंने। यह हादसा मुझे पागल कर देगा माजी। प्लीज प्लीज बस माजी, एक मौका दीजिए मुझे प्लीज। मैडम, डॉक्टर ने पेशेंट को डिस्टर्ब करने से मना किया है। डिस्टर्ब? डिस्टर्ब तुम कर रही है हम दोनों को, ये तो मेरी डिग्री जैसी है, हम दोनों बहुत क्लोज है, क्यों टिया? लेकिन आप है कौन? क्या तुमने मुझको नहीं पहचाना? मिसेस भरूचा, मैं तुम्हारी टिया, ये मिसेस भरूचा है। मिसेस शर्मा, थैंक्स फॉर द री इंट्रोडक्शन, बट तुम हमको। मिसेस भरूचा, डॉक्टर मोदी आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? आपसे कुछ पूछना है उन्हें। पूछना है? हाँ। चलो चलो टिया, चलिए ना, ऑफिस में है वो, मेरे साथ आइए। दूसरा टाइम ऐसा मजाक मत करना। दवाई ले लीजिए। ये क्या कह रही थी? पता नहीं क्या कह रही थी, आप दवाई ले लीजिए। ओह माय गॉड, मैं कुछ और बोल देती तो इधर कोई ना कोई उससे पुरानी बात याद दिलाएगा आज। और क्या सोच रही है माँ जी? मिसेस भरूचा सिर्फ एक प्रॉब्लम बता के गई है, और कई मुश्किलें आएंगी। मैं जानता हूँ माँ जी, आपको मेरी शक्ल से नफरत है, जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। इस बुरे वक्त में मैं आपका साथ देना चाहता हूं, अपनी सारी जिंदगी आपके परिवार की देखभाल में गुजारना चाहता हूं मैं। बहन जी देखिए, जख्म इलाज से भरता है और दर्द बांटने से हल्का होता है। चाहते क्या हैं आप? सब कुछ भूलकर इसे माफ कर दूं? इसे सिर्फ टिया की याददाश्त वापस आ जाने तक मां जी, उसके बाद आप दोनों जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। बस मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए प्लीज माँ जी। ठीक है, तो आप मेरे बेटे को ये मौका नहीं देना चाहते। मत कीजिए उसे माफ, कीजिए अपनी मनमानी, बता दीजिए अपनी बेटी को सब कुछ और मार डालिए उसे। डैड, अरे मैं समझा रहा हूं, समझ
मैडम, कार एक्सीडेंट में लोग पैसे खिलाकर बात को दबा देते हैं, जख्मी या मरे हुए लोगों की जिम्मेदारी उठाने कोई आगे नहीं आता, लेकिन मेरे बेटे ने एक कदम उठाया है। मेरा बेटा अपनी जिम्मेदारी पे आप लोगों को यहां से दूर ले जाना चाहता है, ताकि कोई जान पहचान वाला आपकी बेटी की यादों को कुरेद कर उसकी मौत का कारण न बने। नहीं, लेकिन आप ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि आप तो मालिक है ना उन दोनों की जिंदगी की। देखिए, मेरे बेटे की गलती की वजह से राज की जिंदगी गई है, लेकिन आप अपनी जिद और अहंकार की वजह से अपनी बेटी भी गंवाएंगी। आप मेरे बेटे को माफ करें या ना करें, लेकिन अपनी बेटी और अपने नाती के भविष्य के बारे में तो सोचिए प्लीज। हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं टिया, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अनीता के घर। जब कार का एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हारे साथ अनीता और जय भी उस गाड़ी में थे। एक्सीडेंट में तुम्हारी याददाश्त चली गई और अनीता की जिंदगी। अनीता और जय का बेटा अंशु तुमसे बहुत प्यार करता है, मासी माँ जो ठहरी। तुम उसके पास रहोगी तो उसे माँ की कमी महसूस नहीं होगी, और डॉक्टरों ने भी कहा है नई जगह जाओगी तो तुम्हारी तबीयत में भी सुधार आएगा, इसलिए जय मैं अपने साथ ले जा रहा है। बस अंशु, अंशु, अंशु बेटा ये लो, बोल, बोल। दीजिए। अंशु, अंशु। आजा बेटा, आजा, 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 आजा अपनी मासी माँ के पास। ओ ले ले ले, आजा, उश, बबू, ओके राजा, आ ले, आजा, 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 आजा। आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, माँ ने बताया। थैंक्स। थैंक्स मत कहिए, प्लीज। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए जिम्मेदार मैं ही। सच तो यह है कि आपके गम के बारे में सोचती हूँ तो अपनी तकलीफ बहुत छोटी लगती है मुझे। I'm sorry about Anita, but life has to go on, ना? Ladies and gentlemen, welcome to Cape Town. For your own safety, please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft has come to a complete halt. Thank you. Hello, sir. Swami. Good morning. Good evening. Good morning, sir. Good morning. Welcome, madam. Welcome. ISIA at your service. ISIA? Okay, Indian Service in Africa. Welcome to Cape Town, madam. मेरा पीए, स्वामी। ए, कैसा है हमारा छोटा बॉस, है अनुज बेटा? How are you? स्वामी अंकल को नहीं पहचाना? ये अनुज नहीं, अंशु है। अंशु। ओहो, सॉरी, मैं गड़बड़ बोल गया। इसलिए कहते हैं कि सोच समझकर बोलना चाहिए। ओह, सॉरी, कड़क है। सुना कड़क है। स्वामी, तुम्हें काम करो। तुम सामान अपनी गाड़ी में ले आओ। अच्छा। मैंने अपने साथ ले जाओ। ओके। दिया तुम ले लो। जी। दीजिए मैं। बाय। आई ड्राइव। Okay, sir. नमस्ते साहब। नमस्ते। मैम साहब का सामान बाहर से ले आना और इन्हें कमरा दिखा देना। जी साहब। अगर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बता देना। जय।
ओहो। स्वामी इसे क्या हुआ, ये रुक क्यों रहा है? सर आई लगता है इसकी सर्विसिंग करनी पड़ेगी। हमें इसकी नैपी चेंज करनी पड़ेगी सर। हमें नहीं, मुझे। ओ मैं इसका डायर हूं। अरे 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 यार, बड़े होकर फायर ब्रिगेड ज्वाइन कर लेना। सर मैं चला ड्राई क्लीनिंग के लिए। गुड बॉय अंशु, गुड बॉय। आप बच्चे को संभालना आपको बिल्कुल नहीं आता? सीख जाऊंगा। अब तक क्यों नहीं सीखे? पहले बच्चा था ही नहीं। मेरा मतलब है, ये हमेशा अपनी माँ से चिपटा रहता था। ओ तो आज से ये अपनी माँ से चिपटा रहेगा, है ना अंशु? वैसे ये किस पर गया है? बिल्कुल अपनी माँ पर गया। वही बुरी आंखें, वही मुस्कुराहट, वही जानसा चेहरा। कैसे भला इकरार करूं, तू ना समझे मेरी बेकरारियां। दिल चुरा ले ओ चांद से चेहरे वाले, मुस्कुरा ले ओ चांद से चेहरे वाले, दिल चुरा। दिल भूल पाए मेरी जिंदगी, आ जा तुझको बताऊं, मेरी हर धड़कन तुझे सिर्फ चाहे। आजमा ले ओ चांद से चेहरे वाले, मुस्कुरा ले ओ चांद से चेहरे वाले, दिन रात मैं तुझसे प्यार करूं, पर कैसे भला इकरार करूं, तू ना समझे मेरी बेकरारियां। दिल चुरा ले ओ चांद से चेहरे वाले, मुस्कुरा ले ओ चांद।
गुड मॉर्निंग, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। चाय? नहीं नहीं, मैंने पी ली। पी लीजिए ना, मैं इतनी भी बुरी चाय नहीं बनाती। अच्छा, इतनी गर्म चाय और आपने एक ही घूंट में? हाँ, एक्चुअली ऑफिस के लिए लेट हो रहा। बैठिए ना, मैं भी अपनी चाय पी लूं। तो तुम्हें केप टाउन कैसा लगा? काफी लंबी लिस्ट है, क्या बताऊं। पेड़ है जो खड़े ही रहते हैं, पहाड़ है जो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलते, सूरज है जो सही वक्त पर निकलता है और डूबता है। काफी हेल्दी और कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर है यहाँ। मैंने सुबह देखी है, शाम देखी है, रात देखी है। आपकी टेरेस से सब नजर आता है। कभी वक्त हो तो आइएगा, मैं भी आपको केप टाउन दिखाऊंगी। अच्छा, ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें केप टाउन दिखाना मेरी जिम्मेदारी। Promise? यह केप टाउन की सबसे दिलचस्प जगह, जहां दो महासागर, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, मीलों दूर का सफर तय करके अपने पीछे सब कुछ छोड़कर यहां एक हो जाते हैं। यहीं से शुरू होती है उनकी एक नई पहचान, एक नया सफर, एक नई कहानी। बिल्कुल मेरी तरह। अपनी याददाश्त खोने के बाद मैं भी तो सब कुछ भूलकर एक नई दिशा में चल रही हूं। कभी कभी सोचती हूं जो गुजर गया वो कैसा था, क्या वो समय इस पल से बेहतर था, कहीं कुछ कीमती पीछे तो नहीं छूट गया। फिर हंसकर अपने आप को मना लेती हूं, जो चला गया वो वापस नहीं मिलेगा, और जो मिल रहा है उसे खोना नहीं चाहती। टिया, तुमने तो मजबूरी में अपने आप के साथ समझौता कर लिया, पर दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अगर मौका मिले तो वो जिंदगी दोबारा जीना चाहते हैं। जय, क्या तुम भी इन महासागरों की तरह अपने पीछे चले गए पल को भूलकर एक नया सफर शुरू करना चाहते हो? हाँ, उन बहुत सारे लोगों में एक मैं भी हूं, लेकिन जिंदगी सबको दोबारा जीने का मौका नहीं देती। गुजरे हुए पल लौट कर नहीं आते, बस यादें छोड़ जाते हैं। चले। मैं सोच रही थी इस अजनबी शहर में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी, तुमने तो हर चीज इतनी आसान कर दी। तुम में मैंने एक ऐसा दोस्त पाया है जिससे मैं रूठ भी सकती हूँ, झगड़ भी सकती हूँ, नाराज भी हो सकती हूँ, प्यार भी कर सकती हूँ। यू मेक मी रियली कंफर्टेबल, थैंक्स। आइसक्रीम खाएं? वाह 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 वाह, आओ कन्या। जय, चलो हाथ दिखाते हैं। बिराजो, बेजान गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी हस्तियों को रास्ते पे लगाया है, मेरा कहने का तात्पर्य सही रास्ता दिखाया है। अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, नेल्सन मंडेला। ये तुम कहां फंस रही हो टिया? चलो। एक मिनट, देखते ना क्या कहते हैं। जिज्ञासा स्वाभाविक है, मन की क्रिया पर अंकुश नहीं लगा सकता है तू।
निसंदेह अपना हाथ आगे बढ़ाओ कन्या। वाओ, बहुत अच्छा समय आने वाला है तेरा कन्या, उज्जवल भविष्य। भविष्य की बात छोड़ दीजिए बेजान जी, क्या आप मेरे पास्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरा बीता हुआ कल। बीता हुआ कल? आजमाना चाहती हो मेरी विद्या को? पूछो। हाँ हाँ, निसंकोच। मैं कौन हूँ? कन्या हो, लड़की हो? चलो टिया, टिया प्लीज। एक सेकंड। अतीत साफ झलक रहा है तुम्हारा। हाँ, तो बताइए ना। पति और पुत्र का योग है बीते हुए कल में। चलो टिया प्लीज। लेकिन एक सेकंड। भूतकाल पर ग्रहण लगा हुआ है। इस हंसी का तात्पर्य कन्या? आप लकीरें उल्टी पड़ रहे बेजान जी, ये मेरा अतीत नहीं, हाँ आने वाला कल तो हो सकता है, फ्यूचर यू नो। मैंने तो कहा था ना कि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। ये लो, चलो देने वाला वो है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, लेकिन एक दिन तुम सत्य जानोगी कन्या। इसकी बात को सीरियसली मत लो टिया, ये सब लोग झूठ बोलते हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है इसका झूठ सच हो जाए। टिया सच तो ये है कि पहले तुम दूर थी और मैं पास आना चाहता था, अब तुम पास हो और दूर जाना मेरी मजबूरी है। तुमने अपनी आदर्श खो दी, मैंने अपनी मंजिल। चल रहा हूं लेकिन रास्ता नहीं है, जी रहा हूं लेकिन जिंदा नहीं हूं मैं। टिया, 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 ये फोटो दे दो। मैं अनीता की फोटो नहीं देख सकती? No. क्या यू हर्टिंग मी जय, स्टॉप इट। दो टिया, टिया, टिया। Hi।
दीवाना बन गया जाने मन, तुझे बताऊं कैसे हाँ कैसे मैं कैसे तेरे लिए है पागल हर धड़कन, मेरे हंसी सनम आशा कर दे अब तो मेरी मुश्किल, केपटाउन कैसा लगा? अच्छा लगा। Oops, God bless you. Thank you. वो माँ बीच पर भागते भागते मेरा पैर फिसल। टिया, अपने कमरे में जाओ और कपड़े बदल लो। जी। टिया सच कह रही है वो। कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। मैंने तुम्हारे साथ रहना मंजूर किया तो सिर्फ अंशु और टिया को साथ रखने के लिए, मेरी बेटी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे बहकाने की कोशिश मत करना तुम। लेकिन माँ जी, माँ कहने का हक मैंने सिर्फ राज को दिया था, तुम उसकी जगह लेने की कोशिश कभी मत करना, ना मेरी जिंदगी में ना टिया की जिंदगी में। Excuse me, sir. Your meeting with the External Affairs Minister is today at... I told you to cancel all my meetings for today. But sir, the meeting is important. God damn it! I told you to cancel all my meetings for today! I'm sorry, sir. Linda. I'm sorry. It's okay. बाप फोन नहीं करता और बेटा लाड करता है। आओ ना माँ। कितना प्यारा है ना अंशु, आपको पसंद है? बहुत पसंद है। मुझे भी। और बाकी सब? बाकी सब? स्वामी जी। और जय, क्या बात है माँ, आप जय के बारे में कभी बात नहीं करती? उसके साथ मेरा हंसना बोलना आपको अच्छा नहीं लगता? हर रिश्ते की एक सीमा होती है टिया। लेकिन दिल के रिश्ते की कोई सीमा नहीं होती माँ, इसलिए सब कुछ खोकर भी मुझे तुम जैसी माँ मिली, अंशु जैसा बेटा और जय जैसा दोस्त। वैसे जय ने अपनी सीमा बांध रखी है माँ। अगर वो अपनी मर्यादा में रहे उसमें सबकी भलाई है। जिस लड़की को मैं तेरी बहू बनाना चाहता था आज वो तेरे घर में है माँ, लेकिन आज भी मैं उसे तेरी बहू नहीं बना सकता। मेरे नसीब में सिर्फ टिया का साथ है माँ, सिर्फ साथ, उसका प्यार नहीं।
बोलना। Beautiful. तुमने सोचा कि तुम मुझे सरप्राइज दोगे, लेकिन ये मौका मुझे मिल गया है ना। अब एक सरप्राइज और भी है, आओ ना। तन तने अ कोजी कैंडललाइट डिनर फॉर टू। आपका जैकेट सर, बैग अब वही साइड पर रख सकते हैं। और रही बात खाने की, तो शेफ टिया ने यानी कि मैंने आपका मनपसंद खाना खुद अपने हाथों से बनाया है। तुम्हें कैसे पता ये सब मेरा मनपसंद खाना है? जब दिल से दिल की राह मिलती है तो एक दूसरे की पसंद नापसंद सब पता चलता है। जैसे तुमने जाना कि ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, जय चलो आज हम दोनों एक विश मांगते हैं। विश? शायद ये वो लम्हा हो जो हमारी जिंदगी में रोशनी भर दे। अच्छा तो मुझे क्या करना होगा? आंखें बंद कर लो एंड मेक द विश, कम ऑन चलो। ओके जय, मैं बहुत थक गया। खाना तो खा लो ना। मुझे भूख नहीं है। सुनो जय, मेरी कितना मजबूर हो गया हूँ मैं, टूट के चूर हो गया हूँ मैं, डूबता जा रहा है दिल मेरा, जबकि वो सामने किनारा है, जबकि वो सामने किनारा है। दिया। चाहता है तू? हाँ? आखिर चाहता क्या है? मेरी यादें तो छीन ली तूने, मैंने कोई शिकायत नहीं की, ये सोचकर कि तू जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन लेकिन जय को मुझसे दूर क्यों कर रहा है तू? उसके दिल में मेरे लिए प्यार क्यों नहीं जगाता? शिकायत करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, हर ठोकर को आगे बढ़ने की सीढ़ी बनानी चाहिए, इरादे और मजबूत हो जाते हैं, न मिलने वाली चीज भी मिल जाती है। ये सब कहने की बातें हैं, तसल्ली देने के लिए ठीक है, पर इनका कोई फायदा नहीं होता। फायदा होता है बेटी। बेटी? पर आप है कौन और इस घर में कैसे घुसे? दरवाजे से आया। दरवाजे से? हाँ। मैं भी जानती हूँ, लेकिन आप इस घर में क्या कर रहे हैं? मैं मिस्टर जय से मिलने आया हूँ। आप जानते हैं उसे? नाम सुना है, बिजनेस नहीं किया है। हाँ, करना भी नहीं, लड़की की इज्जत नहीं करता, बिजनेस क्या खा करेगा वो? ओह रियली? हाँ, आजकल उसका दिमाग काम पर बिल्कुल नहीं लगता, सारा कारोबार चौपट करेगा, फुटपाथ पर ले आएगा बुड्ढी को। बुड्ढा? हाँ, अपने डैड को। ओ, ओ, बाप बुड्ढा। अच्छा वो तुमने अंदर की बात बता दी। इट्स ओके। मैं तुम्हारी कोई प्रॉब्लम दूर कर सकता हूँ क्या? माने अभी अभी जो तुमने प्रॉब्लम की बात की ना वो? हाँ, वो बदकिस्मती से प्यार कर बैठी उससे, वही जैसे
Really? लेकिन वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, उल्लू का पट्टा। नालायक साला, बाप को गाली खिला रहा है। किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है? मैंने ऐसा सुना है कि जय मेहता इज ए प्ले बॉय। क्या कहा? Yeah, इज ए प्ले बॉय, बिग टाइम प्ले बॉय, वुमनाइजर। उठिए, उठिए, कमान। क्या हुआ? आप जय को जानते नहीं, पहचानते नहीं, और उसकी बुराई शुरू कर दी आपने। कमान निकल जाइए। ये तो कमाल हो गया। माने मैंने कहा हो तो बुराई हो गई, और अभी अभी जय के बारे में जो कह रही थी वो क्या उसके भजन गा रही थी? मैं अभी जाकर मिस्टर जय मेहता को बताता हूँ कि उसके घर में ये कैसे कैसे लोग रहते हैं। हा? मिस्टर जय, अरे आप होते कौन है हमारे घर के मामले में पड़ने वाले? मैं कौन? हा? मैं ही वो उल्लू हूँ और वो पट्टा मेरा है। आप उसके बाप? बाप, बाप है। डैड, स्वामी ने कहा कि आप आ गए। हाय मिस्टर डैड। या मी टू। So good you came. अरे आप तो होटल की एनिवर्सरी पे नहीं आने वाले थे, वरना मैं होटल की एनिवर्सरी तो एक बहाना है यार। I was missing you. I missed you. Me too. एक बात बताओ बेटी, तुम्हें पूरा यकीन है कि जय तुमसे प्यार नहीं करता? बिल्कुल, उसकी जिंदगी में सिर्फ दो ही लोग हैं, अंशु और उसकी माँ। बिल्कुल ठीक कहती हो बेटी। लेकिन एक बार जो चला जाए कभी वापस तो नहीं आता ना? नहीं। तो जय को भी अपनी जिंदगी फिर से जीने की कोशिश करनी चाहिए ना? यस, करनी चाहिए। आखिर एक हादसा जिंदगी से बड़ा तो नहीं होता? होता है, कभी कभी हादसा इतना बड़ा होता है कि उसके सामने जिंदगी बहुत छोटी हो जाती है। एक बात कहूं, हादसों के सफर से गुजर कर भी जिंदगी तो चलती ही रहती है। बिल्कुल करेक्ट, गुजरा हुआ कल बीत चुका है, उसे बदल तो नहीं सकते ना? ठीक कह रही, बीता हुआ कल तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जो गुजर गया है उसे भूल जाने में ही भलाई है। अंशु के खाने का वक्त हो गया है, मैं देखती हूँ। बेटी, कोई कुछ भी कहे, मैंने तुम्हें बहू एक्सेप्ट कर लिया है। अब जय का दिल जीतने के लिए तुम जो भी करोगी उसमें मेरा साथ रहेगा। ओके, सुन, कल हमारी होटल की एनिवर्सरी की पार्टी है। ओके। देखा।
राही को मिलती नहीं मंजिल, इश्क के राही को मिलती नहीं मंजिल, इश्क में कुछ भी तो होता नहीं हासिल, इश्क में कुछ भी तो होता नहीं हासिल, इश्क है क्या इस इश्क को कोई समझ न पाया, इश्क में जब जी घबरा प्यार का जवाब जब बेरुखी से मिले तो कैसा लगता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जय सिर्फ तुमसे प्यार करता है। मेरा मतलब है कि जय सिर्फ तुमसे ही प्यार करेगा। यू नो, हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए कि अगले 24 घंटे में जय तुम्हें मेरी बहू बनाने का प्रॉमिस करे। प्रॉमिस करेगा वो? वो आपसे बहुत प्यार करता है ना? हाँ, तो? 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 ए, तो? हाय। हेलो सर, कुड यू साइन दिस डॉक्यूमेंट्स? दिस पेपर्स आर टू बी डिस्पैच्ड टू ग्रीस। हेलो टिया, तुम रो क्यों रही हो? जय, तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक हो गया है। व्हाट? तुम जल्दी से घर आ जाओ, he's very serious. बेटी, ये कपड़े बराबर है ना मरने के लिए? वो बात कर रही है। अब जब मरना है तो उसमें कपड़े क्या देखने? मैं कॉस्ट्यूम के बारे में। जय ऑफिस से निकल चुका है, अब जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए। चल 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 चल। या मैं अभी एकदम नर्वस हो गया हूँ, कहीं मुझे सचमुच हार्ट अटैक ना आ जाए। अगर आप ही गया ना तो हम संभाल लेंगे आप। क्यों? सारा गेम आपके हाथ में है। अंकल जी, आपको लाइन से याद है ना? कमान कमान कमान। बेटे नहीं, गलत है, हार्ट इधर है। बेटे जय, तुम्हारे मर जाने के बाद में डाला तो बराबर बोलिए ना। क्या हुआ? डेथ सीन आपका है, जय का तो नहीं ना। बोलिए जय बेटे, मेरे मर जाने के बाद। शाबाश। ओके, ऐसे ही करना, ऐसे ही करना। ओके जय बेटे, मेरे मर जाने के बाद में तुम नया घर खरीद लेना, नया घर बना लेना। बना लेना नहीं, बसा लेना। बसा लेना, बसा लेना। ये फंसा है बेटी ये। अच्छा, बसा लेना। ये रोल मैं कर लूं, मुझे सारी लाइनें याद है। ये लो, दूसरा एक्टर रेडी हो गया। लेकिन स्वामी जी, ये ओरिजिनल ड्रामा है, बात तो नहीं बदल सकते ना? बिल्कुल बदल सकते। अंकल जी, बुरा मत मानिए, एक बात कहूं, आप बहुत ही बेकार एक्टर हैं, लाइंस याद नहीं रख सकते। लाइंस? दर्द लाइए ना, दर्द। दर्द में ला रहा हूं बेटी, यहां कस के पकड़ रहा हूं फिर भी दर्द नहीं आ रहा। अंदर से लाइए ना। अंदर, अंदर से? ओके। कहां जा रहे हो? तो काना अंदर से लेके आओ। अंदर का मतलब अंदर से फीलिंग लाइए। अंदर, अंदर से फीलिंग। अरे जय साहब आ गए, जय साहब आ गए। आ गया? देख बेटा, मुझे हार्ट अटैक आया है, देख। अंदर ना, अंदर। क्या हुआ डैड? सर, ऊपर आपके रूम में। गंगा जल ले लीजिए। डैड, स्वामी क्या हुआ? जा रहे हूं। टिया, तुमने किसी डॉक्टर को फोन किया? डॉक्टर, डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा अब बहुत देर हो चुकी है। मैं यही हूँ डैड, ये सब क्या हो गया? हार्ट अटैक। लेकिन अब तो अच्छा ख्याल रखते थे अपने आप का।
Yes, अंकल जी, आपको जो कुछ कहना है जल्दी कहिए, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। आई आई आई, हाँ हाँ, हम आपको तड़पता हुआ नहीं देख सकते। जय, बेटे, मैं आज जो तुझसे कहूंगा करना पड़ेगा। हाँ, करूंगा। वादा करो जय, मेरे मरने के बाद। कहते रहिए, रुकिए मत, मन हल्का हो जाएगा। अरे कह दीजिए। मेरे मरने के बाद जय, तुम अपना घर बना लेना। लेकिन बसा लेना, बसा लेना। लेकिन डैड, ना मत कहना जय बाबा। तूने मुझसे वादा किया है, मैं जो कहूंगा वो करेगा जय। अंशु की परवरिश के लिए भी तो माँ चाहिए। मैं चाहता हूं तू टिया के साथ अपना घर बसा ले। जी मैं अंशु तुम्हें मासी माँ नहीं, माँ कहकर पुकारेगा, माँ। जी आप कहते हैं तो अंशु की खातिर मैं। देख टिया ने भी शादी के लिए हाँ कह दी। तू अंशु भी कितना खुश है इस फैसले से। बेटा वादा कर कि तू टिया से ही शादी करेगा, वादा कर। लेकिन डैड आप जानते हैं कि डैड अटक गए, सेजी की सांस अटक गई। हाँ कह दीजिए जय बाबा। मैं वादा करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे क्या आगे भाड़ भर के देख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल फिट फिट। तो ये हार्ट अटैक? अरे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। अरे तुमसे वादा लेना था कि तू टिया से प्यार करता है और उससे शादी करेगा, और तू बोल दिया। यस, टाटा टाटा कांग्रेचुलेशन जय बाबा, कांग्रेचुलेशन। शट अप स्वामी, मौत का कोई मजाक बनाता है? शायद भूल गए हैं कि टिया राज के बच्चे की मां है। शायद आप ये भी भूल गए हैं कि टिया को इस हालत में पहुंचाने वाला आपका बेटा है। और शायद आप ये भी भूल गए हैं कि टिया एक झूठ को जी रही है। जिस दिन सच उसके सामने आएगा, उस दिन वो आपसे और आपके बेटे से नफरत करने लगेगी। सब कुछ भूल गए हैं आप, ठीक है, पर ये मत भूलिए कि टिया की मां भी जिंदा है। अच्छा होगा कि आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को याद रखें, मेरी बेटी और नाती के भविष्य को मुझ पर छोड़ दें। देखिए, जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आप अगर जय को माफ कर, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन आपकी बेटी और अंशु की जिंदगी का कोई भी फैसला करने से पहले आप इन पैकेट्स को खोलकर देख लीजिएगा। उसके बाद अब जो भी फैसला करेंगी मैं उसकी इज्जत करूंगा। नमस्ते।
आ जा अपनी मासी माँ के पास। टिया, टिया कल रात जय के पिता तेरा हाथ मांगने आए थे, मैंने हाँ कर दी। कल रात तक तो अपना कह रही थी, आज अचानक? कल तेरी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही कि दिल के रिश्ते की कोई सीमा नहीं होती। मैं अंशु के बिना जी नहीं सकती, अंशु तेरे बिना जी नहीं सकता, और तू जय के बिना। इसलिए बेटी मैंने रिश्ता मान लिया है। लेकिन माँ, जय तो हमेशा मुझसे दूर। जानती हूँ मैं, वो मेरी वजह से खिंचा खिंचा रहता है। जब तू उसे ये बताएगी कि मैंने हाँ कर दी है, वो जरूर मान जाएगा। तू कह तो मैं बात करूं उससे? नहीं माँ, गुजरा कल तो मिट चुका है, इसलिए आने वाले कल को मैं साफ साफ देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि जय के मन में क्या है, इसलिए उसे एक खबर मैं सुनाऊंगी। अंशु, माँ बुलाएगा ना? बोलना तो शुरू करे, तुझे ही माँ कहेगा। तुझे माँ मिल गई है, तुझे माँ मिल गई है अंशु। टिया की जिंदगी एक कोरा कागज नहीं है माँ, उस पर खून के धब्बे मेरी वजह से लगे। आज वो मुझसे प्यार करती है, असलियत जानेगी तो अपनी खुशी के लिए मैं गुजरे हुए कल को नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता। लेकिन एक दिन सब कुछ भूलकर एक नए सिरे से अपनी जिंदगी जीने की दुआ मांगी थी तुमने जय। अरे टिया, तुम आज रब ने तुम्हारी और मेरी हम दोनों की बात सुन ली है जय, नहीं समझे? माँ ने हम दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी है जय। अब मेरे हाथों में तुम्हारे नाम की मेहंदी लगेगी, मेरी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? देखो जय, अपनों को खोने के बाद आदमी जीना तो नहीं छोड़ देता ना। हादसा हम दोनों के साथ हुआ है जय, बस मैंने अपनी तकलीफ का एहसास कभी जताया नहीं। एक अंधेरी गली में भटक रही हूं जय, सिर्फ एक दिए के सहारे, और वो दिया तुम हो जय। तुम मेरी मजबूरी नहीं समझोगे, कोई नहीं समझता मेरी मजबूरी। किस मजबूरी की बात कर रहे हो तुम? टिया, मेरा जमीर मुझे रोक रहा है। जमीर? फिर क्यों खरीदा था वो तोहफा मेरे लिए? क्यों लिखा था उस पर मेरा नाम? दिल की बात जबान पर क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्योंकि मैं अपना अतीत नहीं भुला सकता। भूला होगा। टिया! टिया, क्या हुआ, रो क्यों रही है? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे माँ। अरे बता तो सही, हुआ क्या है? अरे जरूरत क्या है टिया को बताने की? जो गुजर गया वो गुजर गया। तू भूल गया डॉक्टर ने क्या सलाह दी थी? उससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पागल हो सकती है वो। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, नहीं रहना मुझे जय के साथ। लेकिन अंशु का क्या होगा? उसकी फिक्र करना जय की जिम्मेदारी है। जब वो मुझे अपनी बीवी बनाने को तैयार नहीं, तो मैं उसके बच्चे की माँ कैसे बन सकती हूँ? पर अंशु टिया राज का बेटा है, और जब उसे ये बात पता चलेगी तो क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? तो तू इस इंतजार में है कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए, वो विधवा बन जाए, नफरत करे तुझसे? नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ माँ। उसे ना कहकर और तकलीफ दे रहा है तू, उसके आज और आने वाले कल की खुशियाँ छीन रहा है तू।
शांति से काम ले बेटा, जय को मैं समझाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, दया की भीख नहीं चाहिए मुझे। लेकिन बिटिया, बिटिया, बिटिया कहा ना तुमने, तो चलो मेरे साथ अभी इसी वक्त। हम जा नहीं सकते टिया। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। टिया, 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 सुन, टिया, टिया, टिया कहाँ जा रही है? जय, जय, टिया गाड़ी लेके भागी है, जल्दी रोको उसे। पागल हो गए हो क्या? मैं कुछ भी करूं, तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? मर जाने दो मुझे। जान देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, छोड़ दो मुझे। सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो तुम, दूसरों का जरा भी ख्याल नहीं। कोई नहीं है मेरा। ऐसी बात नहीं है ठीक। ऐसी बात है, सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, सब कुछ झूठ। कुछ झूठ नहीं है, तुम बस समझ नहीं रही हो। हाँ, मैं समझना भी नहीं चाहती। टिया, हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी, कोई नहीं चाहिए मुझे, मैं जीना नहीं चाहती। पागल मत बनो टिया, तुम्हें जीना ही होगा, अपने लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए, अपने बेटे अंशु। क्या कहा तुमने? अंशु, अंशु मेरा बेटा है, अंशु मेरा बेटा है, लेकिन वो तो तुम्हारे अनिता का। सच बताओ जय, वरना अनिता सिर्फ मेरी दोस्त थी, मेरी कोई शादी नहीं हुई। जिस एक्सीडेंट में तुम्हारी आदर्श गई थी उसमें अनिता ही नहीं, राज की भी मौत हुई थी। राज? कौन राज? तुम्हारा पति। मेरा पति? हाँ टिया, तुम्हारी शादी राज के साथ हुई थी, तुम और राज गाड़ी में थे, मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी। मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार, मैं हूँ जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, मैं हूँ जिसकी वजह से अंशु ने अपना पापा खो दिया। अंशु मेरा नहीं, तुम्हारे और राज का बेटा है। अंशु मेरा बेटा है। दिया।
डॉक्टर ने कहा था इसलिए मैंने झूठ कहा तुझसे, तेरी जिंदगी के लिए मैंने तो अपनी बेटी और नवासी के लिए सब कुछ किया है, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी तो चैन दी है, अपने हिस्से से ज्यादा सजा काटी है उसने, और फिर भी अपने दिल की बात नहीं बताई होगी। डैड प्लीज। नहीं, आज बताने दे मुझे। जानती हो टिया, इसने अपनी जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया, सिर्फ तुमसे, और आज ही नहीं तुम्हारी शादी के पहले से। पर ये अपने दिल पे पत्थर रखकर जी रहा है, इस उम्मीद में कि शायद तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए और तुम इसे इसके किए की सजा सुनाओ। वो हादसा मेरी किस्मत में लिखा था जय, तुमसे नहीं होता तो किसी और से होता। फिर भी अगर मेरे कहने पर तुम्हारे दिल से बोझ उतरता हो तो मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू डियर। बेटी कहाँ जा रही हो? अंकल, सब कुछ सुनकर भी, सब कुछ जानकर भी मुझे अपना बीता हुआ कल याद तो नहीं आया, पर आज मैं जानती हूं कि मैं एक बच्चे की माँ हूं, एक विधवा हूं। लेकिन टिया। नहीं जय, प्लीज, तुमने मेरी वजह से बहुत सहा है, अब तुम और नहीं सहोगे, नहीं सहोगे। रुक जाओ टिया, तुम्हें मेरी कसम, टिया आज तुम सिर्फ अपनी तरफ देख रही हो, अपना बच्चा देख रही हो, लेकिन कल तक तुम्हारी नजरों में मैं एक शादीशुदा था, एक बच्चे का बाप था, फिर तुमने ये सब कुछ तब क्यों नहीं सोचा टिया? जानती हो क्यों टिया? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। आज अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं तुमसे पहले से भी ज्यादा प्यार करता हूं और तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा तो जी, प्लीज। आज अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं अंशु को बाप का प्यार देना चाहता हूं, उसे अपना नाम देना चाहता हूं, तो मुझसे शादी करोगे? अंशु का अपना पापा। रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, कितना पागल ये दिल